सरकार की तरफ से आज सदन में यह कहा गया कि साहब ये हक देने वाला संशोधन जो इस कानून में किया जा रहा है, तो फिर ये जो विधेयक है वो ज्वाइंट कमेटी के पास क्यों भेजना पड़ा सर? नंबर नहीं थे सरकार के पास, या फिर आप लोगों को भी इस बहस चर्चा के दौरान इसमें सुधार की गुंजाइश लगी? देखिए रोमाना जी, तीन चार चीज कहते हैं। यहाँ पर जो पैनल में सात लोग हैं उसमें से पांच लोग तो मुस्लिम ही हैं, और अगर अनुराग भदौरिया जी को भी जोड़ ले तो साढ़े पांच लोग हैं कम से कम, तो बात तो सब समझते होंगे। ये मैं आपको फिर से खुल के कह रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है संशोधन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को फायदा करने वाला है। मुसलमान का पैसा है, मुसलमानों के लिए पैसा है, और फायदा भी मुसलमानों को होगा। इस पर किसी का अधिकार ना है और ना कोई अधिकार जताना चाह रहा है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 9 लाख से ज्यादा करोड़ की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, और आपको मालूम है आप अपने पैसे 1000 रुपये को जाके डाल दीजिए बैंक अकाउंट में, और बोलिए कि 1000 रुपये जो है 2 रुपये दे साल के बाद, सिर्फ 1000 रुपये में 2 ही रुपये मिलेगा। मतलब आपको अर्निंग देखिए तो जरा सा 0.02%, ये संपत्ति जो है 9,75,000 करोड़ की संपत्ति 200 करोड़ रुपया भी नहीं कमाती है। मतलब कहीं ना कहीं साठ घाट के साथ ये पूरी संपत्ति कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम उसे इंजॉय करने वालों को इंजॉय नहीं करने देंगे। ये गरीबों के लिए है वक्त पर, आप समझती होंगे रुमाना जी, गरीबों के लिए, गरीबों को ही फायदा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसको, इसके कितने सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से अपने फायदे के लिए, अपना जो फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आप देखिए कर्नाटका में जाफर शरीफ से लेके कई ऐसे लोग हैं, उसमें के रहमान भी हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया, और इतने बड़े बड़े लोगों ने फायदा उठाया। मैं खुद कह रहा हूं आपको, मैं अपने परिवार के एक सदस्य के लिए जो जानकार थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मेरी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड ने ली है। एक बच्ची जो जो जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, उस बच्ची की प्रॉपर्टी वक्फ ने बिहार में, मैंने कितने जूते घिसे उस बच्ची के लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया प्रॉपर्टी। क्यों? कि वहां का जो मुखिया है वो कहीं ना कहीं दलाली कर रहा था। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप वही तारीख से दिन आ रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जॉइंट कमेटी के पास क्यों भेजना पड़ गया? नंबर नहीं, देखिए नंबर नहीं, नंबर है, इसमें सुधार की गुंजाइश लगी, नंबर है। लेकिन जो लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इसके पीछे कोई मकसद है, तो लो भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस करके ले आओ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक पॉइंट भी नहीं, इसलिए इसमें चेंज करने लायक कुछ नहीं है। अगर गरीबों का हक मारना है तो कोई मुसलमान खड़ा होकर कह सकता है गरीबों का हक नहीं मिल रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जाती है, हमें ये क्लियर रखना चाहिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अलग होती है और पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी अलग होती है। ये जो मामला है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं गया, ज्वाइंट कमेटी के पास गया है ना, मतलब बहुत जगह दरअसल ये शायद शब्दों के फेर की वजह से बहुत से मीडिया हाउसेज में भी और चैनल्स पर भी और खबरों में भी गलत चल रहा है। बस जानकारी सही जाए, क्योंकि एबीपी न्यूज हमेशा सही जानकारी देते हैं, और इसीलिए हम लोग ज्वाइंट कमेटी चला रहे हैं। जी जी रुमाना जी, आपकी बात बिल्कुल जो है वो सही है, और इसीलिए अध्यक्ष जो है वो अभी कमेटी बनाने वाले हैं, कमेटी में चर्चा की गई, कमेटी रिपोर्ट देगी, और ये पूरे तौर से इस रिपोर्ट के बाद ये पूरे तौर से संशोधन बिल पास होगा। लेकिन मैं तीन चार बातें कह रहा हूँ, रहमानी साहब भी हैं, हमारे और भी लोग भाई लोग हैं, एएमएम के भी स्पोक्स पर्सन, क्या इस संपत्ति में 9,75,000 करोड़ में, भदौरिया जी को छोड़िए और मुन्ना जी को छोड़िए, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 200 करोड़ रुपया होना चाहिए? क्या गरीबों को इसका फल नहीं मिलना चाहिए? क्या अंबानी का घर वक्फ प्रॉपर्टी पे बनना चाहिए? क्या ऐसे बड़े बड़े के रहमान साहब मंत्री हैं, वैसे लोग सैयद जफर इस्लाम साहब ने फायदे गिनाए इसके, अब आप मुझे बताइए विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा था, जफर साहब ने बताया कि मुसलमानों के फायदे के लिए बात कर रहे हैं, कब से फायदे की बात करने लग गए? मुसलमानों का फायदा आपने जब नहीं देखा जब लोकसभा के अंदर चुनाव चला था, अभी कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया आपने, कितनों को मिनिस्टर बना दिया, पहली मर्तबा आजादी से अब तक ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। ये तुम फायदा देख रहे हो, जब बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को उड़ा दिया जाता है बिना नोटिस बिना सबूत, तब फायदे नुकसान नहीं देखते?
रुमाना जी, ये बिल जो अमेंडमेंट का डाला है लोकसभा जो लोग ने पार्लियामेंट में, ये पर से इलीगल है, बैड इन संवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 15 का, आर्टिकल 26 का, जो रिलीजन प्रैक्टिस करने के पावर देता है। आप तो पूरे संविधान का कत्ल, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हो, नियत सरकार की। 10 सेकंड आप जैसा उनको सुने, रुमाना जी मेरी बात कर ले, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जिस तरीके की कॉमेंट दे रहे हैं वो आज हमने लगातार एबीपी न्यूज पर दिखाए हैं, है ना, जो संसदन के अंदर चर्चा हो रही थी वो भी हमने दिखाई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप स्पेसिफिक पॉइंट बताइए, एक पॉइंट बताइए, मैं उस पर चर्चा कर लूंगी। आपको आपत्ति, एक पॉइंट बता दीजिए जिस पर आपको आपत्ति है इसी संशोधन पे जो सरकार लेकर आ रहा था, वो कौन सा पॉइंट है जिस पर आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है, बताइए। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 से 30 वो छोड़ दीजिए ना सर, सीधा पूरे के पूरे पॉइंट पे। हाँ, एक पॉइंट बताइए ना, अगर अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे छोड़ नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, पढ़कर आए ना तो बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसा छोड़ नहीं सकते किसी पॉइंट को। हाँ। हमको आपत्ति है ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसमें सरकार की जो नियत है, नियत में ही खोट है। बीजेपी और आरएसएस तो पहले से ही मुसलमानों से नफरत कर रही थी, इनको हमारे खाने पीने से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे सबसे नफरत थी। अब इनकी नजर थी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा। मुसलमानों के पास वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी क्यों? अरे भाई, अगर हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से जगह दी है वक्फ करने के लिए दी है मुतवली, तो आपको क्या तकलीफ है? और वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसा दे देता है, रास्ता बन जाएगा अगर ये संशोधन आ गया, है ना। जफर इस्लाम साहब, आप नोट करते रहिएगा क्योंकि जवाब आपको देना होगा। जी, लोग सुनना चाहते हैं, सुनिए रुमाना जी, लोग सुनना चाहते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों ऑब्जेक्शन है। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आप अगर एक्सपर्ट है वफ के अंदर आप बोलिए, मैं सुनूंगा। नहीं, नहीं तो आप बताइए ना सर, आप तो आरएसएस, खाना पीना कपड़ा तो सब पर जा रहे हैं, अरे आप तो बोलने नहीं दे रहे हो ना, आप एक तो क्या बोलूं, काय के बात करूं, पेरिस ओलंपिक की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वफ पे बात करने आया, वफ के बिल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मैं तो उसी पे बात कर रहा हूं, मैं किस चीज पे बात नहीं कर रहा हूं बताइए आप मेरे को, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूं। आपको मेरा पॉइंट अगर समझ में आ रहा है, समझिए, दर्शक समझ रहे हैं मेरी बात को, हमारा सीधा बोलना है, जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तो फिर सरकार को दखलबाजी करने की क्या जरूरत है? अब एक कलेक्टर आएगा, सर्वे करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप सुनिए, महाराष्ट्र, इंडिया में काफी स्टेटों में तो बीजेपी के राज है, वक्फ के मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। हाँ, तो फिर कहाँ से एम्बिग्यूटी आ गई? आप जैसे हिंदू एंडोमेंट है, जफर साहब को पूछिए, उसके अंदर क्या कोई मुसलमान को एंट्री मिलेगी? चार कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर क्या मिलेगी क्या एंट्री? चार धाम के अंदर क्या किसी मुसलमान को एंट्री मिलेगी? हमारे सिख भाइयों का एक है सिख प्रबंधक कमेटी, उसमें भी मुसलमान को एंट्री नहीं है, तो वफ के अंदर क्यों एंट्री? मेरे ईमान में, मेरे कुरान में, मेरे धर्म में मुझे क्या करना, उसका फैसला दूसरे करेंगे या हम लोग करेंगे? हमको पता है वफ के अंदर क्या है, मगर आपकी नीयत है। और अगर एक मुसलमान ने वफ किया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करके करते हैं ना, आपको तो पता होगा, पहले डॉक्यूमेंट जाता है, उसके बाद में उसके पेपर के एंट्री। अरे 8 लाख से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, आपको पता भी है कि नहीं पता है? वक्फ की प्रॉपर्टी 8 लाख से ज्यादा तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, आपको नहीं पता है क्या? अरे है, हर जगह एंट्री है, आपको नहीं मालूम है क्या? बड़ी विस्तार से रखिए, आपकी जो मैडम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।